बारह साल से ये शो चलता आ रहा है एक ट्विस्ट ऐसा आने वाला है जिसकी वजह से काफ़ी मिक्स इमोशंस हैं आप दोनों के अंदर क्या कहना चाहेंगे क्या चेंज होने वाला है किस तरह से शूट किया वॉट आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दी ऑडियंस Uh, there's going to be a big twist, which is going to be very twisty. Uh, it's going to be completely twistyishwar, and हम ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते। एक तो हमें खुद को इतनी स्टोरी आगे की पता नहीं है जो थोड़ा बहुत पता है क्योंकि आगे वो एलिमेंट्स दे देर राइटिंग स्टिल इट्स स्टिल इन द राइटिंग प्रोसेस कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है uh, पर जो फिलहाल जो हम शूट कर रहे हैं द दो सीन्स आर वेरी इमोशनल एंड यार मैं कुछ भी बोलता हूँ क्या बोलूँ फिर तो, तो बहुत इमोशनल सीन्स है एंड एंड वी वी विल बी शूटिंग इट ऑल नाइट टुनाइट नाइट एज वेल सो सुबह छः बजे जैसी कल का एपिसोड आएगा वैसे ही वो देख के सब लोग सोचेंगे सच बताओ तो शूट करने से पहले जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी भी पढ़ने के बाद अपने आंसू रोकना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए तो और मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी आफ्टर एवरी लाइन लाइक क्या हो रहा है आंसू टप 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 मैंने कहा मेरी स्क्रिप्ट दूर रख रखे पड़ती हूँ स्क्रिप्ट बिक जाएगी सो so, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पूरा सीक्वेंस और पानी अगर आंसू तो ऐसे गिरता तो है टटा टटा हाँ हाँ नहीं मैं ऐसे पढ़ती हूँ ना इनकी बात मैं सुनिए और मैं सिर्फ इतना बोलूँगी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा ये पूरा फेज हमारे लिए और आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी रहा होगा और हो रहा होगा और आगे भी रहने वाला है फर्स्ट टाइम सो so, गाइज हिम्मत रखिए आप लोग भी जैसे हम रखे हुए हैं एंड uh, क्या के बारे में मैं, मैंने तो जैसे ही पढ़ा था कायरा डे के बारे में और जैसे लिखा था मेरा पूरा पेज गीला हो गया मेरे आंसू से और <laughs> तो इट इज रियली कूल यार आई रियली लाइक इट सिक्स जैन इज एनी वे अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी क्योंकि मेरी जो छोटी सी बहन है उसकी शादी हुई थी सिक्स जनवरी को दो साल पहले तो इट्स एनी वे अ वेरी स्पेशल डे एंड नाउ इज मोर स्पेशल एंड द एंटायर एफर्ट एवरी थिंग दैट इज बीन डन राज सर ने बहुत ही प्यारा मैसेज भी किया था हमें आई एम श्योर ही हमेंज ड तो देट वाज एक्सट्रीमली स्वीट दैट ई रोड यू नो वी डूइंग दिस एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दी एंटायर टीम अरे वे वेरी ओवरवेलम यार कायरा डे सुन के मतलब हम जो किरदार निभाते हैं उनको आ, uh, हर हमेशा सेलिब्रेट किया जाएगा इस तरीके से हर साल सिक्स जनवरी को कायरा डे मनाया जाएगा हम तो मनाने वाले हैं वी रियली होप जो आप लोग जो भी कायरा से प्यार करते हैं आप लोग भी सेलिब्रेट करें और आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग यार सुन के इट्स अ वेरी नाइस थॉट सो आई लव इट थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर लविंग सपोर्टिंग अस ऐसे ही प्यार देते रहिए थैंक यू थैंक यू वी लव यू